डर, आत्महत्या का विचार, डिप्रेशन, मानसिक तनाव, ऐसे कार्यों के बीच शैतान घुसकर मनुष्यों को दुख पहुंचाकर उन्हें नष्ट कर देता है। इन सब से छुटकारा दिलाने के लिए ही परमेश्वर मनुष्य बनकर संसार में आए और क्रूस पर अपना लहू बहाया। क्रूस पर उनकी मृत्यु के कारण ही शैतान के सामर्थ्य को उन्होंने कुचल डाला। चेन्नई पेरम्बूर में यीशु छुड़ाता है द्वारा आयोजित छुटकारे के महोत्सव में भारी संख्या में लोगों ने भाग लेकर परमेश्वर से आशीष प्राप्त की और अब चमत्कार पाने वाले अनुभवों की गवाही, आइए सुने उन्हीं की जबानी। भैया, मेरी जीभ के ऊपर कैंसर की गांठ थी। मेरे इस तरफ का कान सुन पड़ गया था, वहाँ भी गांठ थी, दर्द होता था, वो क्यों नहीं खुल सकता? आसमान तो को देखकर आपने यीशु को पुकारने के लिए कहा, मेरी जीभ देखो यीशु पिता। ऐसे जोर से मैंने जब पुकारा तो पेड़ों में से जैसे खांसी से निकली, हाँ इस तरह से आवाज निकली, यीशु ने चंगाई कर दिया। यहाँ दर्द नहीं है, कैंसर नहीं है, यहाँ जो गांठ थी वो भी नहीं है, यीशु ने चंगा कर दिया। है, ऐसा आपसे किसने कहा था? मेरी जीभ से एक पीस निकाल के टेस्ट किया था। टेस्ट करके डॉक्टर ने बताया था? हाँ, 8 महीने से इलाज करा रही थी। यहाँ आके प्रार्थना करने पर यीशु ने बड़ी चंगाई दे दी। आमीन आमीन, जोर से तालियां बजाकर प्रभु को धन्य कहें, हालेलुया। बचपन से ही मुझे बहुत फिट्स आती थी, जीभ भी कट जाती थी, मैं नीचे गिर जाती थी, चक्कर आने लगता, क्या होता था मुझे पता नहीं चलता था। दर्द होता था, हुआ? सर में से जैसे कोई साया निकल के भागा हो। सर में से जैसे कोई साया निकल गया, यहाँ चक्कर आने लगता था। अब अच्छे से छुटकारा मिल गया। देखिए, बचपन से ही एक दुष्ट आत्मा ने इसे वश में करके दुख पहुँचाया और आज इसके सर में से वो काला साया बाहर निकल गया। कितनी प्रसन्नता से ये बता रही है, बिल्कुल मुफ्त में छुटकारा। और अब भाई मोहन सी लाजरस के द्वारा छुटकारे के सुसमाचार का प्रचार सब परिवार सुनकर आशीष पाएं। लूका 19वां अध्याय, उसके पहले 4 वचन। वह यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था, वहाँ जक्कई नामक एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था और धनी था। वह यीशु को देखना चाहता था कि वो कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख न सकता था क्योंकि वह नाटा था। तब उसको देखने के लिए वह आगे दौड़कर एक गुल्लर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। यीशु कौन सा है ये देखने के लिए जक्कई नाम के एक मनुष्य ने मार्ग खोजा। यरीहो नाम का एक नगर, यीशु के दिनों में इसराइल देश का एक नगर, आज भी इसी नाम से वो नगर है। ये मनुष्य जक्कई जिस घर में रहता था, इस यरीहो नगर में वो घर आज भी है। ये मनुष्य जिस गुल्लर के पेड़ पर चढ़ गया था, वैसे पेड़ आज भी नगर में बहुत सारे हैं। एक बहुत बड़ा पेड़। ये जक्कई नाम का मनुष्य चुंगी लेने वालों का सरदार और बहुत ही धनी मनुष्य था, यानी टैक्स कलेक्टर, चीफ टैक्स कलेक्टर, रोमन सरकार के लिए टैक्स की उगाही करने वाला एक मनुष्य और सरकार की एक बड़ी पदवी पर था। बहुत बड़ा धनी, इस प्रकार से बाइबल में कहा है। एक बड़ी पदवी थी, पैसे थे, लेकिन उसके मन में शांति नहीं थी, निराश रहता था, शांति नहीं थी। गांव के लोगों ने उसे पापी है बोलकर अलग कर रखा था। तभी उसे यीशु के बारे में पता चलता है कि यीशु नाम का एक प्रभु संसार में मनुष्य बनकर आया है। वो अद्भुत चमत्कार करता है, लोगों की सहायता करता है। जब इसे ऐसी जानकारी मिली तो इसने कहा, उस यीशु को मुझे देखना है। सब लोग उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, सब लोग वो अद्भुत चमत्कार करता है, बड़े बड़े कार्य करता है, ऐसा कह रहे हैं। तो क्या मेरे जीवन में चमत्कार होगा? क्या मेरे जीवन में मुझे भी छुटकारा मिल पाएगा? क्या मुझे शांति मिल पाएगी? ऐसी इच्छा के साथ उसने यीशु को खोजना शुरू किया। वो एक नाटा मनुष्य था, इसलिए लोगों की भीड़ में वो यीशु को देख नहीं पा रहा था, क्योंकि यीशु जहाँ जाते थे वहाँ भारी संख्या में लोग जुट जाते थे। इसलिए जब वो लोगों की भीड़ में जा नहीं पाया तो यीशु इस रास्ते से ही जाएंगे बोलकर वो पहले ही भागकर एक बहुत बड़ा पेड़, बहुत बड़ा गुल्लर का पेड़, उस पे चढ़कर वो बैठ गया और ऊपर बैठकर ही वो नीचे देखने लगा कि यीशु इसी रास्ते से ही आएंगे। और जब यीशु उस जगह पर पहुंचे तो किसी ने नहीं देखा कि पेड़ के ऊपर कोई है, पर यीशु उस जगह रुके। सब लोग देखने लगे,
उसका नाम लेकर पुकारा, जक्कई नीचे उतर कर आ, आज मुझे तेरे घर पर ही रुकना है। उसे आश्चर्य हुआ, तभी वो ये समझ पाया कि यीशु सामर्थ्यशाली हैं। ये बात वो समझ पाया। मेरे प्रिय मित्रों, यहाँ पर एक बहुत ही अद्भुत कार्य हमें समझना होगा। प्रेरितों के काम 10वें अध्याय के 38वें वचन में यीशु इस संसार में जब तक थे वो सेवा करते रहे, वो लोगों के लिए भला करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे उन्हें अच्छा और चंगा करता फिरा। यहाँ पर एक बात कही गई है, शैतान के सताए हुए, यानी शैतान की शक्ति। पवित्र शास्त्र में कहा गया है शैतान के पास एक शक्ति है, शैतान के पास एक ताकत है, मनुष्यों को अपने वश में करने की शक्ति, मनुष्यों को वेदनाएं पहुंचाने की शक्ति, मनुष्यों को पाप में धकेलने की शक्ति, मनुष्यों का बुरा करने की शक्ति, वही है शैतान की शक्ति। पवित्र शास्त्र में लिखा गया है उस शक्ति से मनुष्यों को यीशु छुटकारा दिलाते हैं। यीशु का सामर्थ्य छुटकारा दिलाने का सामर्थ्य है, चंगा करने का सामर्थ्य और चमत्कार करने का सामर्थ्य है। तो ये जो शैतान है और उसके पास जो शक्ति है बुरा करने की शक्ति इस संसार में है, ऐसा पवित्र शास्त्र कहता है। पवित्र शास्त्र में जब आप पढ़ेंगे तो जब संसार की सृष्टि हुई तो दो प्रकार की शक्तियां इस संसार में कार्य कर रही थीं। एक थी शैतान की शक्ति, यानी शैतान का सामर्थ्य, क्योंकि सभी बुराइयों का कारण वही है, सारी वेदनाओं का कारण वही है। दूसरी तरफ परमेश्वर का सामर्थ्य। तो इस शैतान की सृष्टि किसने की? परमेश्वर ने शैतान को क्यों बनाया? परमेश्वर ने शैतान को नहीं बनाया। पवित्र शास्त्र को ध्यान से जब पढ़ेंगे, परमेश्वर ने शैतान की सृष्टि नहीं की, स्वर्ग दूतों ने सृष्टि की। उनमें लूसीफर नाम का एक स्वर्गदूत, मिकाएल स्वर्गदूत, गैब्रियल स्वर्गदूत और लूसीफर स्वर्गदूत, ये तीन प्रधान स्वर्गदूत परमेश्वर ने बनाए। उनके नीचे करोड़ों की संख्या में स्वर्गदूत हैं, मनुष्यों की सुरक्षा करें उस प्रकार से परमेश्वर ने उन्हें तैयार किया। इनमें से लूसीफर परमेश्वर की आराधना करने में एक आराधना योद्धा बन के रहा, वो वर्शिप करने वाला लीडर बन के रहा, रात दिन परमेश्वर का ध्यान करके परमेश्वर की स्तुति करते थे, उसका वो मुखिया बन के रहा। उस स्वर्गदूत में एक अहंकार था और उस अहंकार के कारण मैं परमेश्वर से भी ऊंचा बनूंगा और लोग मेरी आराधना करेंगे, मेरी स्तुति करेंगे, मुझे अपना ईश्वर मानेंगे, ऐसा बोलकर अहंकार में परमेश्वर के विरोध में खड़ा हुआ। इसलिए परमेश्वर ने उसे स्वर्ग लोक से निकाल दिया। उसके साथ जो करोड़ों स्वर्ग दूत थे उन्होंने कोहराम मचाया और वो एक शैतान बन गया। यशाया 14वां अध्याय 12 से 20वें वचन तक, यहेजकेल 28वां अध्याय उसके 12 से 19वें वचन तक पवित्र शास्त्र में उसके विषय में घटनाओं का वर्णन किया गया है। तो जो स्वर्ग दूत था वो शैतान में परिवर्तित हो गया। स्वर्ग दूतों में एक सामर्थ्य होता है, परमेश्वर द्वारा दिया गया सामर्थ्य। वो सामर्थ्य परमेश्वर ने उससे नहीं छीना, अपने उसी सामर्थ्य से वो क्रियाएं करता है। वो परमेश्वर के सामर्थ्य से हटकर कोई कार्य नहीं कर सकता, लेकिन उसके पास जो शक्ति है वो बुरा करने की शक्ति है। परमेश्वर ने उसे स्वर्ग लोक से निकाल दिया, इसलिए वो शैतान आक्रोशित होकर परमेश्वर के विरोध में कार्य करने लगा। परमेश्वर के विरोध में वो खड़ा हुआ, इसलिए परमेश्वर ने जिन मनुष्यों की सृष्टि की उन्हें वो वेदनाएं पहुंचाने लगा। मनुष्यों को वेदना पहुंचाने से परमेश्वर का मन दुखी होगा कि ये मेरी संतान है, मेरे साये से इनकी सृष्टि हुई, मनुष्यों को परमेश्वर ने चाहा, इसलिए मनुष्यों को वेदनाएं पहुंचाकर जब यातनाएं देने लगा तो परमेश्वर का मन दुखी होने लगा। इसलिए मनुष्यों के विरोध में शैतान खड़ा हुआ और आज जितने भी दुष्ट कार्य हैं वो अपनी क्रियाओं से कर रहा है। उसके विषय में यीशु एक बात कह रहे हैं, यूहन्ना 10वें अध्याय के 10वें वचन में, ये जो शैतान है, ये दुष्ट शैतान एक चोर है, ये चोरी घात करने और नष्ट करने आता है। ऐसा यीशु ने कहा, मनुष्य की सुख शांति छीनने जैसा पाप वो मनुष्य के हृदय में लेकर आता है, मनुष्य का स्वास्थ्य छीनने जैसा रोग मनुष्य के शरीर में लेकर आता है, लोगों को मिलने वाला आशीर्वाद छीनने के लिए वो परिवार में अशांति और कमियां लेकर आता है, समस्याएं पैदा करता है, उनकी शांति छीन लेता है,
हमारे विरोध में उठकर जो कार्य करता है, उस दुष्ट चोर शैतान के विषय में यीशु ने विशेष कर कहा है, सारी समस्याओं के पीछे शैतान क्रियाएं करता है, ये हम समझ सकते हैं। आपको क्षति पहुंचाना, आपकी सुख शांति छीनना, आपकी प्रसन्नता को भंग करना, आपको मिलने वाली आशीषों को रोकना, इन सब के पीछे ये दुष्ट शैतान है। ये बात पवित्र शास्त्र के द्वारा हम जान सकते हैं, वो एक चोर है, इस प्रकार से कहा गया है। इसीलिए तो शैतान के सताए हुए लोगों को यीशु ने छुटकारा दिलाकर उन्हें प्रसन्न किया, ये हम पवित्र शास्त्र में पढ़ते हैं। एक और वचन में उसके विषय में यीशु ने कहा है, यूहन्ना 8वां अध्याय उसके 44वें वचन में, शैतान झूठा है वरन झूठ का पिता है, और वो आरंभ से मनुष्यों का हत्यारा है। मनुष्यों की जो हत्याएं होती हैं, उनका जो लहू बहाया जाता है, इसके पीछे शैतान की दुष्ट क्रियाएं होती हैं, ऐसा हम देखते हैं। जातियों के नाम पर मनुष्यों की हत्याएं करवा के लहू बहाता है, प्यार के नाम पर मनुष्यों के द्वारा ही मनुष्यों की हत्याएं करवाता है। वो एक चोर हत्यारा है, मनुष्यों के हृदय में बुराइयों का बीज बोकर अशांति फैलाने का जो कार्य करता है, वो कार्य ये शैतान ही करता है, ये पवित्र शास्त्र विस्तार से हमें बताता है। सचमुच का जो परिहार है वो है कलवारी क्रूस पर यीशु का लहू बहा कर मरना, मुफ्त में पापों से क्षमा, शाप से छुटकारा मुफ्त में, प्रभु हमें आशीष देते हैं वो भी मुफ्त में। लेकिन शैतान हर एक कार्य में झूठ बोलकर, रुपए पैसों के द्वारा, तो ये देना वो देना ऐसा विश्वास दिलाकर झूठ मूठ के कार्य किया करता है शैतान। वो झूठा है, झूठों का पिता है, इस प्रकार से पवित्र शास्त्र में यीशु विस्तार से कह रहे हैं, हम देखते हैं। मेरे प्रिय मित्रों, आज झूठे कार्यों पर अनेकों का अंधविश्वास, आज अनेक लोग जो अंधविश्वास में पड़े हुए हैं, उसके पीछे शैतान की क्रियाएं हैं, और इसीलिए मनुष्यों की लालसा बढ़ाकर, झूठे कार्यों में उन्हें फंसाकर, उनकी आत्मा को नष्ट करके उन्हें नरक में ले जाकर छोड़ता है। यही है शैतान की योजना। इसीलिए तो प्रभु ने इस संसार में आकर सचमुच के कार्यों का प्रचार किया, सचमुच के छुटकारे के विषय में उन्होंने बताया। झूठ मूठ का छुटकारा होता है और सचमुच का छुटकारा भी होता है, झूठे कार्य भी होते हैं और सच्चे कार्य भी होते हैं। इसीलिए यीशु ने कहा, सचमुच की स्वतंत्रता पाओगे, यूहन्ना 8:36 में कह रहे हैं, इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे, ऐसा कह रहे हैं। मरकुस 1वां अध्याय उसके 23 से लेकर 26वें वचन तक पढ़कर देखें। यीशु जब आराधनालय में प्रचार कर रहे थे, अशुद्ध आत्मा एक मनुष्य को जकड़कर उसके द्वारा जोर जोर से चिल्ला रही थी, यीशु ने डांट के उसे कहा, निकल जा, वह आत्मा निकल गई और छुटकारा। मरकुस 9वां अध्याय 21 से 27वें वचन तक पढ़कर देखें। एक पिता अपने बालक को लेकर आता है, एक दुष्ट आत्मा उस बालक को सता रही है, उसे वो आग में और पानी में गिराकर मारना चाहती है, मेरे बेटे की सहायता कर प्रभु। यीशु ने कहा, यदि तू विश्वास करता है तो हो सकता है, तू विश्वास करता है क्योंकि तभी मैं कुछ कर सकता हूँ, यदि विश्वास नहीं करेगा तो मैं नहीं कर सकता, हे प्रभु मैं विश्वास करता हूँ, मेरे अविश्वास को क्षमा करो, उसने कहा। यीशु ने छुटकारा दिलाया। मरकुस 5वें अध्याय का 1वां वचन पढ़कर देखें। गिरासेनियों के देश में यीशु पहुंचते हैं तो कब्र में से निकलकर एक मनुष्य आता है, सेना नाम की आत्मा ने जकड़ा हुआ था। सेना यानी हजारों की संख्या का अर्थ, एक मनुष्य में हजारों की संख्या में दुष्ट आत्माएं। देखिए, शैतान जब जकड़ता है तो मनुष्य कपड़े नहीं पहनता है, फाड़ के फेंक देता है। वचन कहता है उसे वस्त्रों की नहीं पड़ी थी, वो इन सब से अनजान था, स्वयं अपने शरीर को चीर कर उसमें वो घाव कर रहा था। शैतान ऐसा ही है, निर्वस्त्र करके मनुष्यों का अपमान किया करता है, ये शैतान की क्रिया है, ऐसा पवित्र शास्त्र में कहा गया है। प्रभु कपड़े पहनाना चाहते हैं, प्रभु कपड़े पहनाकर सुंदर बनाते हैं, पर शैतान निर्वस्त्र करके, अपमान करके मनुष्यों को दुखी करने से प्रसन्न होता है। यही हम बाइबल में देखते हैं, यीशु उसे वस्त्र देकर पहनने को कहा और छुटकारा दिलाकर उसे मनुष्य में बदला, ऐसा बाइबल में लिखा गया है। मरकुस 16:10 में देखिए, मरियम मगदलीनी के शरीर में 7 दुष्ट आत्माएं थीं। एक ही मनुष्य में कई आत्माएं आ सकती हैं, 7 आत्माएं, उनसे यीशु ने छुटकारा दिलाया, ऐसा हम पढ़ते हैं। आज आपके जीवन में दुष्ट आत्माएं,
अंधकार में भय लाने वाली दुष्ट आत्माएं, सपनों में आकर डराने वाली आत्माएं, नींद छीनने वाली आत्माएं, कईयों के अंदर हमेशा डर, मरने का डर, मरने का डर लेकर आने वाली आत्माओं के पीछे होती है डराने वाली दुष्ट आत्माएं, मृत्यु डर लेकर आने वाली आत्माएं, अनेकों में आत्महत्या कराने वाली आत्माएं। मर जाए कोई बात नहीं, क्योंकि हमारा कोई नहीं है वो मृत्यु की आत्मा आत्महत्या कराने के लिए उकसाती है। कईयों के अंदर तनाव लेकर आती है डिप्रेशन, डिप्रेशन के पीछे होती है आत्मा, दुष्ट आत्मा। कईयों को छुटकारा पाते हुए मैंने देखा है। एक बार एक युवा बच्ची ने कहा, मेरे अंदर हमेशा कोई बोलता रहता है तू मर जा, आत्महत्या कर ले, तुझे चाहने वाला कोई नहीं है, तू जी नहीं पाएगी। वो आत्महत्या कर ले बोल के हमेशा उकसाती रहती है। लेकिन सभा में जब यीशु का नाम लेकर पुकारा तो कोई आत्मा मुझमें से बाहर निकली और आत्महत्या का विचार ही निकल गया, वो विचार मेरे मन से निकल गया। एक भाई ने कहा कि डिप्रेशन बहुत तनाव है, काम पे ध्यान नहीं रहता है, परिवार पे ध्यान नहीं रहता है, कई जगह काउंसिलिंग के लिए भी गया पर कोई बदलाव नहीं आया, बहुत दुखी होकर आया। भीड़ में आकर यीशु कह के पुकारा और यीशु के सामर्थ्य ने जब छुआ तो एक आत्मा उसके शरीर से बाहर निकली। उसने आकर कहा डिप्रेशन चला गया, मानसिक तनाव जो था चला गया, वो आत्मा मुझ में से निकलते ही छुटकारा मिल गया। ये दुष्ट आत्माओं द्वारा होने वाली क्रियाएं हैं, डर, आत्महत्या का विचार, डिप्रेशन, मानसिक तनाव। ऐसे कार्यों के बीच शैतान घुसकर मनुष्यों को दुख पहुंचाकर उन्हें नष्ट कर देता है। इन सब से छुटकारा दिलाने के लिए ही परमेश्वर मनुष्य बनकर संसार में आए और क्रूस पर अपना लहू बहाया। क्रूस पर उनकी मृत्यु के कारण ही शैतान के सामर्थ्य को उन्होंने कुचल डाला, शैतान को अपने पैरों के तले मसल डाला। क्रूस पर उनके मृत्यु के कारण ही उन्होंने शैतान को पूरी तरह नष्ट किया। वो ऐसी सारी शक्तियों से छुटकारा दिलाते हैं। आज आपके जीवन में किसी न किसी कार्य में एक छुटकारा चाहिए, पापों से छुटकारा, बीमारी से छुटकारा, ये जो डर है शैतान के इस बंधन से, यीशु का सामर्थ्य आपको छुटकारा दिलाने के लिए तैयार है। प्रिय मित्रों, प्रभु के वचनों ने आपसे भेंट की है। प्रभु अपने वचन भेजकर हमें चंगा करते हैं, ऐसा बाइबल में लिखा गया है। उनके वचन और प्रभु के शुभ संदेश ने आज आपको स्पर्श किया है। कोई ना कोई डर आपको डरा रहा होगा, मरने का डर या डिप्रेशन, मानसिक तनाव, दुष्ट आत्मा के द्वारा कोई समस्या, या तंत्र मंत्र से किसी ने जादू टोना कर दिया है उससे होने वाली क्षति। ऐसे किसी न किसी तरह से शैतान या दुष्ट आत्मा के द्वारा क्षतिग्रस्त होकर आप उदास हो रखे होंगे। आज आपका छुटकारे का दिन है, प्रभु ने आपसे बात की है ना। अब हम प्रार्थना करेंगे, आपके साथ मैं भी प्रार्थना करूंगा, प्रभु छुटकारा दिलाएंगे। क्रूस पर शैतान के सर को कुचलकर यीशु ने जय पाई है। यीशु ने क्रूस पर जय प्राप्त की। उन्होंने जय क्यों पाई? हमारे लिए ही उन्होंने क्रूस पर जय पाई। इस पर विश्वास रखकर प्रार्थना करें, यीशु का नाम लेकर प्रार्थना करें। मुंह खोल के जोर से यीशु का नाम लेना है, यीशु का नाम जोर से बोलकर, हे यीशु, ऐसे नाम पुकारे, नाम पुकारते ही छुटकारा मिलेगा। चुपचाप रहेंगे तो छुटकारा नहीं मिलेगा। यीशु का नाम लेना है, मेरे नाम से तू जो कहेगा करूंगा, ऐसा उन्होंने कहा है। तो अब हम प्रार्थना करें। डर, मरने का डर, आत्महत्या का विचार, मानसिक तनाव, डिप्रेशन, नींद नहीं है, इस प्रकार है तो अपने हृदय पर हाथ रखकर, हे यीशु, मुझे छुटकारा दिलाओ। यीशु, यीशु का नाम पुकारे। अब हम प्रार्थना करें, परम पिता नासरी यीशु के नाम से तुम्हारी संतान के छुटकारे के लिए प्रार्थना करता हूँ। ये डर लेकर आने वाली आत्माएं, मानसिक तनाव लाने वाली आत्माएं, आत्महत्या कराने वाली आत्माएं, रात में नींद खराब करके नहीं सोने देने वाली आत्माएं, ऐसी दुष्ट आत्माएं, तंत्र मंत्र, जादू टोने की क्रियाएं, इन बच्चों के विरोध में, परिवार के विरोध में जो खड़ी हो रही है, इन दुष्ट आत्माओं को मैं यीशु के नाम से फटकारता हूँ। ये आत्माएं निकल जाएं यीशु के नाम से, इसी समय इनके अंदर से निकल कर चली जाएं यीशु के नाम से। डर लाने वाली आत्माएं, नींद खराब करने वाली आत्माओं को यीशु के नाम से फटकारता हूँ, बाहर निकल जा यीशु के नाम से। जो भी है यीशु, यीशु का नाम लेकर पुकार रहा है,
हर एक के ऊपर यीशु का लहू मल कर मैं प्रार्थना करता हूँ, यीशु मसीह के नाम से छुटकारा प्राप्त हो। वो डिप्रेशन लाने वाली दुष्ट आत्मा को मैं फटकारता हूँ। मृत्यु का डर लाने वाली और आत्महत्या के लिए उकसाने वाली दुष्ट आत्मा को यीशु के नाम से फटकारता हूँ। मंत्र तंत्र जादू टोने की क्रियाएं नष्ट हो जाएं यीशु के नाम से, वो क्रियाएं नष्ट हो जाएं। अब इन घरों में शत्रुओं का कोई अत्याचार न होने पाए, इनके घरों में शैतान का साया भी नहीं दिखना चाहिए, डराने वाली दुष्ट आत्मा इन घरों में आने ना पाए। इन घरों को, इन परिवारों को तुम्हारे सामर्थ्य को सौंपता हूँ, आज से ही इनकी रक्षा करना। हे प्रभु, किसी भी डर के कारण तंत्र मंत्र जादू टोने से होने वाली बीमारियां, बीमारी लाने वाली आत्माएं, उन्हें मैं फटकारता हूँ। यीशु के नाम से दुष्ट आत्मा बाहर निकल जा। शरीर को जकड़ने वाली आत्मा, हाथ पैरों को जकड़ने वाले नासूर दुष्ट शैतान, निकल जा यीशु के नाम से, मैं तुझे फटकारता हूँ। शांति छीनने वाले, परिवार की प्रसन्नता छीनने वाले शैतान को मैं फटकारता हूँ। आशीष चोरी करके, नुकसान से क्षतिग्रस्त करके, इनके व्यापार में हानि पहुँचाने वाले नासूर तंत्र मंत्र जादू टोने की आत्मा को फटकारता हूँ। वो जल के राख हो जाए यीशु के नाम से। आज हर परिवार को छुटकारा मिले यीशु के नाम से छुटकारा। ये सुसमाचार सुनने वाले हर एक को यीशु मसीह के नाम से छुटकारा प्राप्त हो। शत्रुओं की क्रियाएं नष्ट हो जाएं, दुष्ट आत्माओं की शक्तियां नष्ट हो जाएं। ऐसा करने वाले तुम्हारे प्रेम की स्तुति हो। छुटकारा दे दिया उसके लिए तुम्हारी स्तुति हो। जोर से कहें, यीशु तुम्हारी स्तुति हो। यीशु धन्यवाद, छुटकारे के लिए स्तुति हो। शत्रुओं की क्रियाएं नष्ट हो गई उसके लिए स्तुति हो। जय दिलाने के लिए स्तुति हो। जादू टोना नष्ट करने के लिए स्तुति हो, स्तुति हो। यीशु के नाम की स्तुति हो, यीशु के नाम की महिमा हो। यीशु तुम्हारी स्तुति हो, स्तुति हो यीशु के नाम से। आमीन, आमीन। मेरे प्रिय मित्रों, प्रभु ने आज आपको बहुत बड़ा छुटकारा दिलाया है। दुष्ट आत्माएं आप में से निकल कर चली गई, आपके परिवारों में से निकल कर चली गई। आपको आभास हुआ होगा, आपने देखा होगा, छुटकारा पा लिया होगा। उसके लिए यीशु को स्तुति कहें। आज से ही बदलाव होगा, दोबारा शैतान आपके घर में घुस ना पाए। उसके लिए रोजाना प्रभु की स्तुति करके, गीत गाकर प्रार्थना करें। आपके घर से प्रार्थना और स्तुति की आवाजें आए। अपने घरों में यीशु को स्थान दें। यीशु के नापसंद किसी भी पाप को आप स्थान ना दें। संभल कर रहें, रोज बाइबल पढ़ के प्रार्थना करें। प्रभु का हाथ आपके संग रहेगा। आपने जो छुटकारा पाया उससे मुझे अवगत कराएंगे। मैं आपके लिए परमेश्वर की स्तुति करके प्रार्थना करूंगा, प्रभु को धन्य कहूंगा। यीशु निरंतर आपको आशीष देंगे। आमीन। For further details and prayer support, contact Jesus Redeems Ministries, Nallumavadi, Tuticorin District, 628211. Our phone number 0443545455. Email info@jesusredeems.org. Our website www.jesusredeems.com. God bless you.